I'm high as I've ever been, higher than heaven sits. Roll up my weed and think about my exes and jealousness, how to stay current and relevant. सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रोफेसर, वेलकम बैक टू माय चैनल द वन एंड ओनली स्पैशर टेक। सो मैं लाया आपके लिए रेड्रैगन का एरेस H120 का हेडफोन्स। सो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। ये क्या है भाई? ओ शिट 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 भाई, पैकेजिंग एकदम, मतलब क्या दिया गया है भाई, ये लिटरली ऐसी पैकेजिंग देंगे ये लोग भाई। पूरी पैकेजिंग खराब है, मतलब लिटरली यार मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं पैकेजिंग में इन लोग को बट टफ जीरो दूंगा, जीरो। क्या मतलब कैसी पैकेजिंग करते हुए यार, कसम से। अभी भाई प्रोडक्ट खराब तो नहीं अंदर से, अपने को चेक करना पड़ेगा। ओके, पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं इसके, उसके बाद हम लोग देखते क्या सीन है। तो पैकेज में क्या क्या हमें मिल चुका है, गेमिंग हेडसेट एंड यूज़र मैनुअल, वो तो मिलता ही है। इस पर सिस्टम रिक्वायरमेंट विंडोज़ में चल जाएगा ये, और इसका साइज़ दिया गया है, लेंथ विड्थ और हाइट देख सकते हैं। इसका मेन फीचर देख लेते हैं हमें, मतलब क्या क्या दिया गया यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग को अलग अलग लैंग्वेज में दिया है, इंग्लिश के लैंग्वेज में देख लेते क्या है। स्टीरियो 3.5mm ऑडियो जैक, गेमिंग हेडसेट विथ ओवर ईयर, सॉफ्ट कुशन एंड हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन। तो हमने मतलब माइक्रोफोन इतने अंदर बहुत ही अच्छा मैंने सुना है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कैसा माइक्रोफोन है। पहले मैं स्पेसिफिकेशन दिखा दूंगा आपको इसके कि क्या क्या हमें मिल चुके। और स्पेसिफिकेशन में हमें दिया गया माइक्रोफोन सेंसिटिविटी मिल जाती है हमें -45 ± 3 डेसिबल मिल जाता है हमें। कि माइक्रोफोन रेजिस्टेंस मिल जाता है 2.2 kilo ohm एंड डायमीटर मिल जाता है इसका 40 mm का, और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑब्वियसली 20 Hz to 20 kHz। और सेंसिटिविटी मिल जाती है हमें 103 डेसिबल की। हमें केबल का लेंथ मिल जाता है 2 मीटर का, और यहाँ पे इसका प्लगिंग का डायमीटर दिया गया है 3.5 mm। सो एक्सप्लोर करते हैं इसको। सो ये तो के स्पेसिफिकेशन थे, अब चेक करके देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। भाई मेरे को तो थोड़ा सा डर लग रहा है, पैकेजिंग के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कैसा होगा। पहले चेक कर लेते हैं। लिटरली भाई ऐसा कौन पैकेज करता है। ओके, हेडसेट यहाँ पे है, मैनुअल भी निकला इसके साथ। बेटा मैंने को थोड़ा ध्यान से निकालने दो। मैनुअल निकल गया अपना ये, और ये मिल चुका है हमें हमारा हेडफोन। ये बॉक्स खाली है पूरा, और कुछ नहीं इसके अंदर। चलो खोल के देख लेते हैं क्या सीन है। मैनुअल चेक कर लेते हैं क्या है। मैनुअल रेड्रैगन का बहुत बड़ा है, इसके जो भी चीज़ें मतलब फीचर्स है मैं बता दूंगा आपको। इसको साइड में रख देते हैं और हम लोग हेडफोन्स में आ जाते हैं। हेडफोन्स हमें मिल चुके हैं भाई साहब, क्या क्वालिटी है। मतलब लिटरली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पैकेज जैसा था वैसे। तो मुझे लगा कि ये यूज्ड होगा, रीयूज्ड होगा या समथिंग, मतलब मुझे रिफर्निश मिलेगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था। बट भाई बहुत ही अच्छा है। और ये इसका माइक्रोफोन है, वेट अ मिनट मेरे को चेक करना। हाँ, इस तरह से होता है। ओके, ये हमें मिल चुका है इसका माइक्रोफोन। भाई क्या क्वेश्चन है, भाई क्या लोगो है भाई, खतरनाक लोगो है, देख रहे हो रेड्रैगन का मस्त लोगो है। और कुशन भी एकदम मस्त है, मतलब हाथ में एकदम फील आ रहा है, एकदम मस्त वाला पकड़ में है, छूटेगा नहीं आपसे। और एक कुशंस देख रहे हो कितने सॉफ्ट है भाई, बहुत सॉफ्ट है कसम से, कान दर्द नहीं होने वाले। एक्चुअली क्या हुआ, पिछले बार जब मैं हेडफोन्स पहना था ना, जो पिछले वाला हेडफोन्स था मेरा, उसमें मेरे को थोड़ा सा दर्द हुआ था। अभी इसमें पहन के देखता हूँ क्या सीन है। और इसके माइक्रोफोन मिल जाता है हमें, माइक्रोफोन बहुत ही अच्छा भाई। मेरे को टेस्ट करके देखना होगा कि कैसा है। स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ मैं कैसा है ये। मतलब मैंने इसकी साउंड क्वालिटी सुना, बहुत ही अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। और इसका मतलब एकदम कुशन्स भी बहुत ही अच्छे इसके, इसके कान में कुछ ज़्यादा चुभे नहीं। मतलब थोड़ा बहुत मैंने बहुत देर से डाल के रखा था, कुछ 4 आवर्स मैंने सुना इसका लगा के, तो मुझे कुछ ज़्यादा कान में तकलीफ नहीं हुई कान में लगा के। और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसका जो मैंने साउंड सुना इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और इसका जो डिज़ाइन और इसका जो क्वालिटी बना हुआ है, मतलब जिससे बना हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर बहुत सारे केबल्स ना मतलब मोटे, तो उसकी वजह से क्या कि वायर्स का जो मतलब हिलने का जो चांसेस होता है ना, जब मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप वायर हिलता है तो बोलते हैं आपका एक कान का ख़त्म हो जाता है, एक कान का बंद हो जाता है और दूसरे कान का चालू रहता है। वैसा जो प्रॉब्लम आती है ना, तो वो जल्दी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर वैसे वायर्स नहीं दिए गए, इसके अंदर वायर्स थोड़े अच्छे दिए गए। और यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम बटन मिल जाता है अप डाउन का, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। इसका मैंने माइक टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा इसका माइक मतलब माइक काम कर रहा था, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस तरह से मैं सुना था इसके बारे में, वैसे इसकी माइक क्वालिटी और साउंड क्वालिटी थी। और मैं अब इसके केबल्स के बारे में बता देता हूँ। केबल्स मुझे थोड़े से खटके, क्योंकि ना इसके अंदर ब्रेडेड केबल्स नहीं थे, ब्रेडेड केबल होते ज़्यादा बेटर होता, बट ब्रेडेड केबल नहीं थे। लेकिन इसका जो केबल्स है अच्छी क्वालिटी है, इतनी जल्दी कुछ ख़राब नहीं होगा। और उसकी जो माइक की क्वालिटी है मुझे अच्छी लगी, इसकी माइक की क्वालिटी बहुत ही अच्छा साउंड कर रही थी। मैंने चेक किया, रिकॉर्डिंग किया था। आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो पोर्ट मिल जाते हैं हमें, एक ऑडियो के और एक माइक का पोर्ट मिल जाता है। तो हमें उसको लगाना होता है, आपका पीसी में नहीं लगा रहे हो तो, और जिसके अंदर अगर आपको मोबाइल में डालना है तो उसके वायर्स भी मिल जाते हैं जो हम लोग ज्वाइन करके डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने चेक किया कि कभी भी हम लोग मतलब क्या होता है, मैंने कभी एक दूसरे हेडफोन में जब ट्राई किया था ना, तो थोड़ा बहुत अगर वो हिलता था ना तो उसकी वजह से ना पूरा मतलब साउंड ही गायब हो जाता था। तो वैसा इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर वायर्स बहुत ही अच्छे से फिट होते हैं। और थोड़ा भी मतलब आप अगर हिलता भी है तो कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। पूरा जो ट्रांसफर मतलब डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है, साउंड का जो ट्रांसफ़र होता है वो सही होता है, एकदम सही से साउंड हम लोग को आता है, कोई लेटेंसी देखने नहीं मिलती इसके अंदर हम लोग को। और इसके वायर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, भले हम लोग को मीडियम क्वालिटी मिली है बट इतनी क्वालिटी में बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसका सब कुछ अच्छा था, इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेके म्यूज़िक का और माइक्रोफोन तक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। तो मैं इसको रिव्यू दूंगा, बस पैकेजिंग में इसका रिव्यू 0 दूंगा। तो पैकेजिंग में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसको कुछ नहीं हो सकता। तो साउंड के मामले में इसको 9 दूंगा, माइक क्वालिटी के मामले में मैं इसको 9.5 दूंगा और बिल्ड क्वालिटी के मामले में 8.5 दूंगा। और मुझे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम दिखने नहीं मिली, बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कौन से वीडियोस आपको चाहिए, हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि उस वीडियो को हम लोग लाएँ। सो ये था रेड्रैगन एरेस 120 का रिव्यू। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए एक बात हमेशा याद रखना, समटाइम्स यू आर द ओनली वन। बाय बाय। It's all about humanity.